हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शेयर मार्केट सॉल्यूशन में। आज हम लोग एक शेयर लेके आए हैं जिसका नाम है एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विस। इस शेयर को आज डिस्कस करने का, इस पे वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव था, आपको कुछ चीज़ों के लिए अवेयर करना। तो क्या वो चीज़ें हैं, तो यहाँ देख रहे हैं कि मैंने ओपन करके रखा है एक चार्ट एडलवाइस का 1 साल का। तो इसको हम देखते हैं कि इसमें इससे मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं हाई को बताना चाहता हूँ कि कब कब इसने हाई मारा है। देखिए, 26 अगस्त 2020 के आसपास में इसने 85 का हाई मारा है, फिर उसके बाद से फिर डाउन ट्रेंड में गया है, फिर उसके बाद ये अगेन ये ऊपर गया है और 81 के आसपास में रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आया है 60 के अराउंड में। अगेन कुछ कुछ 60 70 60 70, देन अगेन 60। 60 के बाद फरवरी मार्च तक में इसने फिर एक हाई लगाया है 85.75 का, 85 रुपये 75 पैसे का, और उसके बाद 85 75 से इसने 57 रुपया 10 पैसे का लो बनाया 4 मई को। 4 मई से इस लगातार अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में हमें लगता है कि ये क्रॉस करेगा, 90 के अबव जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ न्यूज़ भी है और क्योंकि ये आपका 4th टाइम रेजिस्टेंस के पास टच करने जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि उसके नीचे आएगा, बट आपको यहाँ पे कॉशियस रहना है। यदि ये 90 के अबव सेटल होता है तो ही आप इसमें बाइंग कीजिए, अदरवाइज वेट कीजिए, स्टॉक को नीचे आने दीजिए और 60 और 70 के बीच के में आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए, बाई कीजिए। यही मेरा कहना था। बाकी न्यूज़ आप जानते ही हैं, राकेश झुंझुनवाला ने भी अपना स्टैक बढ़ाया है, LIC का भी इसमें 2.65 का लगभग अराउंड में इसका LIC के पास स्टैक है एडलवाइस में, और इन्होंने जो है अपना मैनेजमेंट जो है कुछ अच्छा कर रहा है। तो वो सब चीज़ें जो है आप एक बार देखिए, समझिए और फिर जो है मंडे को देखिए कि ये 90 के अबव सेटल होता है या नहीं होता है। यदि होता है तो उसके बाद आप इसमें ज़रूर पैसा लगाएं, और नहीं होता है, क्लोजिंग हो नहीं होती है 90 के अबव, तो तब तक इससे दूर रहिएगा। ओके, तो इससे पहले मंडे को जब आऊँ तो इसके पहले आप क्या कीजिए, अभी जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मुझे मोटिवेशन मिलता है तो मैं और अच्छे अच्छे शेयर लेके आपके लिए आता हूँ। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।